बर के बहे हाल में रेजिश दोस्तों मेरे भाइयों देश के हालात से भी आप लोग वाकिफ है और देश के बाहर के हालात से भी आप लोग बजा वाकिफ है लेकिन ये आपका भाई आप लोगों को देश की ही खबर देश से जुड़ी ही खबर सुनाऊंगा जिस तरीके से धम मचेवा है जो वलवला चल रहा है जो गंदगी फैलाई जा रही है जो अजियतें दी जा रही है एक कम्युनिटी को टारगेट किया जा रहा है वो है इस्लाम वो है मुस्लिम चाहे आप झारखंड ले लो चाहे आप महाराष्ट्र ले लो इनको कुछ भी नजर नहीं आ रहा सिर्फ मुसलमान नजर आ रहे हैं दूसरा इस्लाम नजर आ रहा और इतनी गंदगी बढ़ चुकी है ये लोग की जो अल्फाजों में बयान नहीं कर सकते लेकिन इन सारे चीजों के बावजूद ये आपका भाई आप लोगों को यही कहेगा कि आप लोग पर अमन रहिए ये बरसाती मेंढक है कौन से मेंढक बरसाती मेंढक है जब बरसात जब इनका मौसम आता है तो बाहर निकलते हैं बारिश में उसके बाद पिच बुल्के को भी पौन रख देता है उसके बाद खत्म हो जाते हैं लोग इसके अलावा और कुछ भी नहीं है इसलिए ये गंदगी से आप लोग दूर रहिए इनकी बातों में मत उलझिए आपको जो बेहतर दिखता जो अच्छा दिखता जो समझ में आता जो आपके काम आने वाले हैं, आप उनको सुनिए उनको लाइए ये हकीकत है ये सच्चाई है, है मैं ये नहीं कहूंगा कि फलाने को देखो या फलाने को देखो या फलाने को ना दो या फलाने को ना दो इससे अपने को कोई लेना देना नहीं है अगर से मैं वैसा कह दू अगर से तो इनको बड़ी तब्जा थी अगर से मिसाल के तौर पर मैं किसी के तायद में बोल दूंगा तो उसकी तब जाएगी उसकी तब जाएगी तो मैं इसीलिए ये चीजों से दूर रहता हूं मेरा काम है आप लोगों के लिए आवाज उठाना हर मजलूम की मदद करना और मजलूम की लिए आवाज़ उठाना गंदगी को दूर करना चाहे उन्होंने कोई भी रहो कौन से भी सिंह लगाने वाले रहो मेरे को उससे फर्क नहीं पड़ता मैं कल भी सच बोलता था आज भी सच बोलता हूँ कल भी हक हाँ बोलता था आज भी हक हाँ बोलता हूँ और इन अल्लाह से उम्मीद करता हूँ मरे दम तक अल्लाह से मेहनत मेरे से यही काम लेंगे क्योंकि मेरी तो कोई औकात नहीं है आप लोगों की दुआएं है कर्म है उस परवरदिगार का जो आप लोगों के लिए जो बेहतर होता मैं बराबर कर रहा हूँ अब आप लोगों को नजर नहीं आता दिखाई नहीं देता तो मैं मजबूर हूँ आप लोगों की आवाज सारी दुनिया में ले जाता हूं मैं आप लोगों के साथ नाइंसाफी रहो सारी दुनिया को बताता हूं मैं ये कोई मामूली काम नहीं होता आप लोग नहीं जानते इस बारे में और कोई यूट्यूबरों के वैसा मेरे को ऐसा शौक नहीं है ऐसा कोई वीडियोस बनाना जो आप लोगों की परेशानी आप लोगों की तकलीफें देखकर मेरा दिल उभर आता है इसीलिए मैं आप लोगों के सामने रखता हूं जबकि आप लोगों को बता के या बोल के काम आप लोगों की बेहतरी के लिए करना वो जरूरी नहीं है जबकि अहकाम हमको ये है अगर चाहे हम किसी के लिए ये हाथ से करें बंद मुट्ठी तो ये हाथ को पता चल लेना दे तो जब भी अल्लाह सुबहन तला खुश होते अल्लाह उसी में राजी होते लेकिन हमारे पास तो फैशन बना लिए हुए पब्लिक सिटी करना चाहे दो सौ की मदद करो 2000 जनों को दिखाना ये उनके खून में आ चुका है ये उनकी पहचान हो चुकी है जो कि मैं इसके बरहा खिलाफ हूँ इस चीज के मैं खिलाफ हूँ भला जो है सब अब मेरी बात बड़ी कड़वी नजर आएगी लोगों को लेकिन उससे भी मेरे को फर्क नहीं पड़ता क्योंकि मेरे को उनको खुश करना नहीं है मेरे को रब को खुश करना है मेरे मेरे अल्लाह को खुश करना है तो इसीलिए अपने से कमजोर की मदद करो अपने से गरीब की मदद करो उसको भूखा सोने मत दो यह तुम पे फर्ज आयद है जब अल्लाह सुबहान तला तुमको दे रखा है तुम किस चीज की किफायत करते हो किस चीज के लिए तुम लोग उनको नजरअंदाज करते हो जबकि तुम्हारी इख्तियारा यह नहीं है अल्लाह तुमको दे के आजमा रहे हैं तुमसे लेने के लिए उनको टाइम नहीं लगता पलक झपकते ही यानी आंख बंद करके आंख खोलो खत्म हो जाता सुख दुनिया है ये बात याद रखो मेरे अजीज दोस्तों मेरे भाइयों मेरी मा और बहनों मैंने ऐसे भी घरें देखे ऐसे भी अपने लोगे देखे जो भूखे सोते हैं तीन टाइम में से एक टाइम अगर जब उनको खाने को मिल गया तो जल्लाह खैर बोलते अल्लाह का शुक्र अदा करते हमको तीनों टाइम मिलता है तो हम फिर भी ना ना शुक्रगुजारी करते ना फरमानी करते अल्लाह का एहसान नहीं मानते जबकि हमको अल्लाह सुबहान तला पेट भर खिला रहा है हम दूसरे का ख्याल नहीं कर रहे हैं जो भूखा सो रहा उसके बारे में नहीं सोच रहे है जो भूखा सोच रहा है सो रहा है उसके बारे में नहीं सोच रहे कोई बीमारी से दवाई के लिए पांच सौ रुपये नहीं है और अपने बीमारी में उबतला हो रहा और बढ़ा ले रहा वैसे जाने जा रहा वैसे मर जा रहा लेकिन कोई देखने वाला नहीं है उसको जाके देखने का भी टाइम नहीं है हमारे पास उसके पास से बदबू आ रही है अब इसके जिम्मेदार कौन है हम खुद है अगर जे उसको टाइम के रहते हुए अगर जे बराबर उसका ख्याल करते नहाता धोता उन्हें तो क्या उसको बदबू आती उसके पास से बास आती उसके बास चार को लगती बिल्कुल नहीं तो मेरे अजीज दोस्तों मेरे भाइयों बात तो हकीकत है बात तो सच है लेकिन समझने वाले समझ सकते नए समझने वालों को तकलीफ होती है क्योंकि इन चीजों से हमारे उन भाइयों का कोई लेना देना नहीं है और मेरी बहनों को भी मैं एक बात जरूर कहूंगा जो आप लोग टीवीओं में अभी टीविया तो ज्यादा नहीं देख रहे लेकिन टेलीफोनों में जो रिला देखने में इसमें जो वक्त निकाल रहे हैं आप लोग इससे सिर्फ आपका घर बर्बाद नहीं हो रहा आपकी नस्लें बर्बाद नहीं हो रही आप गुनहगार भी बन रहे अल्लाह को भी नाखुश कर रहे हैं घर की खैर बरकत खत्म हो जाएगी घर की खैर बरकत खत्म हो जाएगी अब यह नहीं कहना कि अबू भाई ने इस पे भी इतराज कर दिया है वो हमारी टाइम पास का जरिया है थोड़ा हंसने बोलने का अरे भाई कर लो हर चीज का एक वक्त रहता नमाज के टाइम पे नमाज पढ़ो नमाज मत करो जो कि तुम पे फर्ज आयद है इबादत करो कुरान पाक पढो घर में रहमतें बरसती है घर में रहमतें बरसती है अल्लाह सुबहान तला तुमसे राजी होता है तुम्हारे आल आयाल से राजी होता है लोग बच्चे रोजगार से लगती है तुम्हारे घर में खैरों बरकत आती है तुम्हारे हम शैतानों को घर में पाल रहे हैं सिपली चीजा घर में चल रहे तो कहां से आएगी हाईसो भी चली जाएगी हाई सो भी चले जाएगी, जाएगी। बहर हाल बुरा मानने की जरूरत नहीं है आपका भाई है बराबर टूकता भी रहूंगा रोकता भी रहूंगा बोलता भी रहूंगा और जरा नखाबों की पर्दों की पाबंदी करो क्योंकि जिस तरीके से हमको बदनाम करने के लिए जो हमारे नखाबों को हमारे हिजाबों को हमारे बुरखों को बदनाम किया जा रहा है एक सोची समझी साजिश के तहत ये सारी चीजें अंजाम दी जा रही है। तो इसीलिए आप लोगों से एक अल्तजा है ये आपके भाई की आप लोग ये मत देखो रोडों पे या सिग्नलों पे या ये मंगने वाले बुरखा पे लेके हिज्जा बन लेके आगे तो कोई मुसलमान है नहीं वो कोई भी हो सकते ये नहीं कह रहा हूं कि मुसलमान नहीं है लेकिन अगर से मुसलमान रहती है अगर से तो जवान बच्ची रात में बारह एक बजे रोडों पे क्या करते इशारों पे क्या करते ये मेरा सवाल है ये देख के नजरअंदाज क्यों करते आप लोग निकाल के उनको पैसा, पैसा क्यों देते आप लोग उसकी खूबसूरती पे या उसकी जवारी पे ये चीजें के ऊपर पर्दा डालो मेरे अजीज दोस्तों मेरे भाइयों इसकी रोकथाम करो अगर से हम नजर <laughs> अगर से इन चीजों को हम नजरअंदाज करें इन चीजों को हम बोले अरे जाने दो भाई हमको क्या करना है हमारी बहन है क्या हो हमारी बेटी है क्या हो हमारी रिश्तेदार है क्या हो आपकी बहन भी होना हो आपकी बेटी भी होना मीम के रिश्ते से अगरचे वो मुसलमान है तो उसके बावजूद आप नजरअंदाज कर रहे उसको समझाओ उसको रोको उसको दियो मत आप देने से आपको अजर नहीं मिल रहा आपको सवाब नहीं मिल रहा आप गुनेगार बन रहे वो एक हमारे बुरखे को पहनकर हिजाब लगाकर हमारे इस्लाम का हमारी बहनों का मजाक बना रहे हैं वो लोग ये पर्दा लगा हिजाब पहनकर हमको बदनाम किया जा रहा है ये बहुत बड़ी सोची समझी सादिग है जो आप लोग सोचने से खासिर है भर के मुनजम रहिये मुतहिद रहिये अपनी सफा में इतिहादार नमाजों की पाबंदी करिए माँ बाप की खदमत करिए बड़ों के अहकाम पे अमल करिए और अपने इस भाई को भी दुआ में याद रखे असलामिकम वरम्तुल्लाबरको